Oh yes, sir. You can ask anything that you want. Okay. It can be your toughest question. Okay. Don't worry. Don't bother. Okay. No. Shall we start? Wait. देखिए पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो पीएचडी का कल सेशन हुआ वो हमारा पहला सेशन था फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो पीएचडी की तरफ से शुरू हो रहा थ्रू आउट जम्मू कश्मीर करगिल एंड लेह। सो कल उसको हमने उसकी मास कॉन्टैक्ट की शुरुआत की कि ये जो इस वक्त एक ज़ोर ज़बरदस्ती का माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे बदकिस्मती से मरकज़ी सरकार की तरफ से, तो और उसमें बहुत लोगों को बहुत डर है, बहुत एक खौफ जैसा बैठा हुआ है और बड़ा हाई हैंडेड तरीके से मामलात को संभाला जा रहा है, निपटाया जा रहा है, और जिससे एक आम शहरी में उसमें वो खौफ और डर है। हालांकि वो मीडिया में भी है, आपको खुद बजाते खुद मालूम है कि आप फ्रीली उतना नहीं कर सकते हैं जो एक मीडिया का रोल होता है, यू कैन नॉट डू दैट। और जैसे प्रेस के हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़कर जो अपना प्रिंट मीडिया है उन पर भी बहुत प्रेशर्स हैं। सो इन सब चीज़ों को देखकर और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है उनको देखकर हमने ये सोचा कि नहीं, ये आपको इस लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ के अपनी स्टेट के पूरे उनमें जाकर, और सबसे अहम बात जो पीएचडी की बनी ये एक अब एक मूवमेंट का पीएचडी ने शेप इख्तियार की है और इसका बुनियादी मकसद है कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। स्टेटहुड वगैरह सब वो ठीक ठाक है, वो चलता रहेगा, अलग मामला है, बट द बेसिक प्रिंसिपल जिस पर पीएचडी ने फॉर्मेशन ली है 4 अगस्त 2019 को, दैट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड और 35A, और उसके लिए हमारी अपनी एक विंग अलग से काम कर रही है। बहुतों को ये खदशा है कि ये शायद अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ये मामला ये ठंडे बस्ते में पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। वी आर फुली अवेयर, वी आर कॉन्शियस कि क्या करना है, किस तरह से इसको आगे बढ़ा के, और किसी न किसी दिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे मैंने कल भी कहा कि 370-35A कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक जो खंभा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्ट्रक्चर है उसका, उसको आप इस तरह से हटा नहीं सकते। ये डन इट अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, रैशनली, और इसको आपको रिस्टोर किए बगैर कोई चारा नहीं है। जिस दिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी ये अर्जी सामने आ जाएगी, मैं अपने बीजेपी के अपने भाइयों से, जो भी दोस्त हमारे हैं उनसे बड़े मोदबाना तरीके से कहूँगा, बुरा ना मानिएगा, जिस दिन वहाँ पे ये काम शुरू हो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपकी दुकान यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में बंद हो जाएगी। जी, पिछली बार भी आपको बुलाया गया था वो डिलिमिटेशन वगैरह एंड इलेक्शन के बारे में, तो पीएचडी का क्या रद्दअमल रहेगा इलेक्शन को लेके? देखिए, डिलिमिटेशन की जहाँ तक बात आई उसको बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया है, पीएचडी में डिस्कस किया है, और उसमें फिर ये छूट दी गई कि हर किसी पार्टी को अपना अपना इख्तियार रहेगा कि वो डिलिमिटेशन के सामने पेश हो या ना हो। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक था ANC का, हमने उसमें शामिल पेश होने में इनकार किया। हालांकि डिलिमिटेशन इज़ एन एक्सरसाइज विच इज़ अ मस्ट, हर 10 साल के बाद ये होती है, और आपकी आबादी का मामला है, एरियाज़ का मामला है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स का इशू है, उनकी क्या इर्द गिर्द में उनके DC ऑफिस कहाँ है, जो भी आपके रोज़मर्रा के इशूज़ हैं, बेसिकली हमारी आबादी का किस्सा क्या है। सो जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है बहुत ही एक सही एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक सही एक्सरसाइज है, लीगली एक सही एक्सरसाइज है,
मगर जिस तरह से उसको पेश किया गया, आप आज सिर्फ डिलिमिटेशन देखेंगे, ये पहले तो डिलिमिटेशन जो यहाँ अभी जो चल रही है ये मार्ज वजूद में आई आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A अंडर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज और ऑल रिऑर्गनाइजेशन एक्ट जो हुआ। सो चूंकि हमारी अर्जी अगेंस्ट दिस इज ऑलरेडी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो डिलिमिटेशन का जो उसके बाद जो डिलिमिटेशन की ये टीम बनाई गई है जिसकी हेड करती के एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस माने हुए लोग हैं वो, बट इट हैज़ नो लीगल सैंटिटी नीदर इट हैज़ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सो और कल ही हमारे मुल्क के बहुत से लीगल लिमिनरीज ने इकट्ठे एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बीइंग कैरिड इन जम्मू एंड कश्मीर इज इलीगल, बिकॉज आप कहीं भी हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इस वक्त नहीं कर रहे हैं, और यहां पर आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज नॉट परमिसिबल, ये सही बात नहीं है। जम्मू वालों ने बीजेपी वालों ने तो बीजेपी की तरफ से यहाँ से डिफेंड उनको करने के लिए कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। ये बिल्कुल कल ही आया है पीएचडी का तारेगामी साहब का। जी जी, आप क्या बताना चाहेंगे जो उसके खिलाफ उन्होंने बहुत को निशाना बना दिया था वो? तो देखिए, आप देखिएगा अभी चूँकि यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए हम लोगों पर ज़बरदस्त निशाने साधे जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। पाकिस्तान से बात कीजिए भाई, हमारा एक हिस्सा वहाँ है, एक हिस्सा चाइना के पास है, और ये मामला जूं का तू है, तो उनसे बात नहीं करोगे तो किनसे करोगे? तो इसमें कैसे हो गया कोई आप देशद्रोही हो गए या एंटी नेशनल हो गए? ये तो गलत बात है। आई हैव एवरी राइट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है बात करने का। मेरे बीजेपी वाले बंदे को एकदम यहाँ, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अगर मैं बात करूँगा और आप उसको सीधा ले जाते हैं टुवर्ड्स एंटी नेशनलिज्म एंड गिव इट अ कम्युनल कलर, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे बाहर से ये लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप इनकी बात कर रही है, मैंने सुना उनके 3-4 मिनिस्टर्स ने भी इस पर बहुत रिएक्ट किया है। अरे भाई, हमारे बॉर्डर्स यहाँ हैं, यहाँ से गोला गिरता है तो वहीं गिरता है ना, कश्मीर पे ही गिरता है, वहाँ से जो गोला गिरता है तो वो यहाँ गिरता है ना, इनके ऊपर तो नहीं गिरता है बाहर। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई साहब ज़रा बैठिए इनके साथ बात कीजिए, करना क्या है, आफ्टरऑल हमारी तीन जनरेशन ऑलरेडी ख़त्म हो गई है इस मामले में, तो इंटरनेशनल कैसे हो गया? आप जिस तरीके से यहाँ पे अपने ही फ्लैग की, हमारे ही फ्लैग की बेहरमती करवाते हैं, अंडर द बैरल ऑफ द गन आप झंडा चढ़वाते हैं, हालांकि यहाँ पे हिंदुस्तान का तिरंगा 1947 से लहरा रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं कि आज से लहरा है क्या वो? ये गलत तासुर देते हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि इनकी इनका इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी भी फेल हो गई, लोकल गवर्नेंस फेल हो गई। तो अगर उसको हम निशानदेही करते हैं कि भाई प्लीज सेट दिस मैटर राइट, प्लीज सेट द मैटर राइट विद पाकिस्तान, पहले तो 5 अगस्त 2019 से पहले आपका इशू था, यू हैड टू ओनली डील विद पाकिस्तान, आफ्टर 5th August 2019 यू हैव टू डील विद चाइना, दैट इज अ रियलिटी। तो भाई हम यहीं रह रहे हैं, 150-200 किलोमीटर दूर पे चाइना है, तो मैं बात नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, तो मैं कहां से देशद्रोही हुआ, ये बात है। देखिए, पहले तो इनको स्टेटहुड वापस करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई 370 इज अंडर द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो वी विल सी व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना चाहिए उस बारे में, वो तो अलग एक एक्सरसाइज है, दैट इज द बेसिक एक्सरसाइज। अब अगर आप इलेक्शन यहाँ करवाएंगे तो क्या आप ये स्टेटहुड देंगे जिस तरह दिल्ली की स्टेटहुड है, वो कौन लड़ने जाएगा? तो आप अपने जो यहाँ की आपने एक दो ये बी टीम्स अपनी खड़ी की हुई हैं, आप उन्हीं को झोंकेंगे क्या फिर उसमें? डिमांड तो पूरे आपकी पार्लियामेंट से भी है, आपके पूरी अपोजिशन से,
आपने प्राइम मिनिस्टर ने जो एक अच्छा कदम उठाया था, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी कहा था हाँ हम स्टेटहुड पर इमीजिएटली सोच विचार कर रहे हैं। आपने तो पार्लियामेंट में बोला है कि वी विल रेस्टोर स्टेटहुड वंस द सिचुएशन इज ओके। जब आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है, वापस करिए स्टेट। और चूंकि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक बहुत अहम चीज़ में आपके वसादत से अपने जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनसे मुखातिब हूँ डायरेक्टली कि जब एक यूनियन टेरिटरी को आप स्टेट का दर्जा देते हैं, दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। यू कैनॉट ब्रेक अ स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो जिन्होंने भी आपने ये किया है, यू आर सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसिक्यूशन। एक नंबर दो, जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारी आपस में 5000 साल पुरानी रिलेशनशिप है, 5000 ईयर ओल्ड। आप एक स्टेट को, ये तो एक मुल्क था, ये तो आपने उसको म्यूनसिपैलिटी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन मानेगा ये बात? तो इस पर अगर बात उठाई जाती है, इज दैट एंटी नेशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल? नो भाई, केस आप पे होगा, हम पे नहीं होगा। आपने बेहरमती की है कॉन्स्टिट्यूशन की, आपने बेहरमती की है अपने फ्लैग की, आपने बेहरमती की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिसकी गारंटी है फ्रॉम द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। सो प्रोसिक्यूशन मुझको होगा कि आपको होगा? वक्त यही बताएगा कि प्रोसिक्यूशन किसको होगा। ये मैं अपने बीजेपी के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप यहां घूम रहे हैं, गाम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अंडर द बैरल ऑफ द गन, खुलेआम यू आर नॉट वेलकम हियर। सीधी बात, यू आर नॉट वेलकम हियर। यू आर वेलकम ओनली जब आपके साथ पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स हो, तभी आपको वेलकम यहां चारों जगह किया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी मजबूरन आना पड़ता है आपके पास, अदरवाइज दे डोंट वांट यू हियर। सीधी बात है। शुक्रिया बहुत बहुत।